गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक है भक्ति, लोग अभी ना समझे प्रभु को पाना भक्ति है। प्यारी सात संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान परमात्मा को मानता है और अपने अपने हिसाब से परमात्मा की पूजा करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में और कोई गुरुद्वारे में जाता है। तो अपने अपने आस्था श्रद्धा के अनुसार सभी भगवान को मानते हैं। भगवान की मूर्ति में फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अपनी अपनी विधि के अनुसार से परमात्मा की पूजा करते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई जप तप करता है, कोई समाधि लगा के बैठा हुआ है। तो भक्ति संसार में हो रही है, लेकिन सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 301 में कि भक्ति लोग अभी न समझे प्रभु को पाना भक्ति है, तज के सारे भरम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। एक को माने, एक को देखे, एक को पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है। बिना रंग और बिना रूप है वाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हू बहु ही रमे राम को पाया है। सदगुरु बाबा सहनशाह जी यहाँ पर हमें यही बात बता रहे हैं कि संसार भक्ति को समझ नहीं पा रहा है। भक्ति है क्या? भक्ति तो भक्त और भगवान का रिलेशन है। जब तक हम भगवान को जानते नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो भक्ति लोग अभी न समझे प्रभु को पाना भक्ति है कि परमात्मा की प्राप्ति ही भक्ति है। जब परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं सदगुरु कृपा से, प्रभु को जान जाते हैं, तब जा करके हम भक्ति कर पाते हैं। जब भक्ति हम करने लगते हैं, परमात्मा को पा जाते हैं, तो हमारे सारे भरम भुलेखे गायब हो जाते हैं। तज के सारे भरम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है कि गुरु को रिझाना पड़ेगा। और गुरु तभी रिझते हैं जब हम भक्ति करते हैं, परमात्मा में हमारा ध्यान लगा रहता है, हम मानवता की सेवा करते हैं, गुरु के आदेश उपदेश का पालन करते हैं और जब हम गुरु की बात को मानते हैं, तो फिर ये सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। एक को माने, एक को देखे, एक को पाना भक्ति है। जब हम इस एक को जान लेते हैं और इसको मान लेते हैं और इस निराकार के ही हो जाते हैं, गुरु के हवाले हो जाते हैं, तब जाकर हमारी भक्ति होती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सबका मालिक एक है, यही निरंकार है, इसने ही सबको बनाया है। तो जब इस एक परमात्मा को जान लेते हैं, यही एक अल्लाह है, यही वाहिद है, यही अकाल पुरुष है, यही राम है, यही कृष्ण है, तो फिर सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं और फिर एकता आ जाती है। और आज जितने भी संत महात्मा, बलि, पीर, पैगंबर संसार में आए, सभी ने एकता को स्थापित किया, एकत्व, विश्वंधुत्व, वसुदैव कुटुंबकम की भावना सभी के दिल में लाई, सबको एक परमात्मा के साथ जोड़कर अमन शांति स्थापित करने का प्रयास किया। बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है। बाकी जो कर्म कांड है संसार के, जो अंधविश्वास में इंसान फंसा हुआ है, तो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, इन सब से ऊपर उठ जाना है। जब इस परमात्मा को हम जान लेते हैं, तो फिर कर्म कांड से हम बच जाते हैं, क्योंकि जो भक्ति है वो हमें कर्म योग सिखाती है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, प्रभु दर्शन के बाद, फिर इंसान कर्म योगी बन जाता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम कर्म कांड में फंसे रहते हैं। तो यही बात सहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है। कि कर्म कांड से जो हम बाहर आएंगे, अंधविश्वास से बाहर आएंगे और ये कर्म योग में रहेंगे, ज्ञान योग में रहेंगे, तब जाकर हमारी भक्ति हो पाएगी। और जब परमात्मा को हम जान लेते हैं, तो फिर ये हम कर्म कांड से बाहर आते हैं। बिना रंग और बिना रूप है वाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हू बहु ही रमे राम को पाया है। ये रूप रंग आकार से न्यारा है, जो गुरुवाणी में लिखा है। गुरुवाणी कहती है कि ये निराकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, रूप रंग से न्यारा है। सहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार वाणी में समझाते हैं
कि रूप रंग आकार से नारे करुण लाख प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि और अकल से बाहर करुण लाख प्रणाम तुम्हें, अनंत असीम अथाह स्वामी करुण लाख प्रणाम तुम्हें, शाहों के भी शाह स्वामी करुण लाख प्रणाम तुम्हें। कि ये अनंत असीम अथाह है, बिना रंग और बिना रूप का है। तो जो वाणी में पहले भी लिखा गया है, संतों ने बताया है कि इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद्वाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। कि बिना हाथ पैर के काम करता है। तो यही एक निराकार है जो वाणी में फरमाया गया है, तो वही हूबहू वही राम मैंने पाया है, यही निराकार है। संसार जी कहते हैं कि जो वाणी में निराकार के बारे में बताया गया है, बिना रंग और बिना रूप का है, तो मैंने हूबहू यही राम पाया है, यही रामा राम जो पहले था, आज भी और हमेशा रहेगा। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक उसी भी सच। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि तीन काल सत्य रहने वाला यही परमात्मा है, यही निराकार है। तो जब इसको जान लेते हैं तब जाकर हम भक्ति कर पाते हैं। भक्ति लोग अभी ना समझे प्रभु को पाना भक्ति है। प्यारी प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।